एक प्रोजेक्ट मैं उसका नाम भूल गया, फोम जैसा है कि उनका कैमरा ख़रीदने का, गाड़ी में लगाने का और घूमने का, वो रियल टाइम डेटा रास्ते का और अपलोड करेगा और उसको उसके बदले में कुछ तो टोकन मिलेंगे। तो जीपीएस सिस्टम ऑन ब्लॉकचेन उस टाइप का प्रोजेक्ट है। फोम करके एक प्रोजेक्ट था, सेम था, अपन सब लोग ने फोम में इन्वेस्ट किया है। फोम ने थोड़ा अच्छा प्राइस बढ़ा था, बाद में अभी वापस से डाउन चला गया। फोम का क्या स्टेटस है आइडिया नहीं है, बट दिस इज़ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि रास्ते पे खड्डा खोद रहा है, वो कैसे पता चलेगा। तो रियल टाइम जीपीएस ऐसा ही बनेगा, लोग अपने गाड़ी पे कैमरा लगाएंगे और घूमेंगे, अपना काम करेंगे, कैमरा फ़ोटो निकालेगा, वीडियो निकालेगा, अपलोड करेगा ट्रैकिंग मतलब जियो लोकेशन के साथ। तो वैसा जीपीएस सिस्टम में लेटेस्ट रोड मैप होगा, किधर खड्डा खोद रहा है, किधर रास्ता बंद है, उधर अपडेट होगा और 3D मैप्स होगा। मतलब इसका फ़ोटो अपलोड किया उसका नहीं, तो AI से जनरेट होगा। बहुत सारे लोग वीडियो फ़ोटो अपलोड करेंगे तो वो हिसाब से वो मैच करेगा, रियल टाइम 3D मैप बनाएगा और ऐसा GPS सिस्टम रहेगा। ये ड्रोन के लिए भी काम का रहेगा, ड्रोन गली गली से जा सकता है। तो ऐसा मतलब फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है। एक मैंने वीडियो देखा AI हाइप, और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर उधर काम करता था, तो उसने किताब लिखा कि काम तो कोई करता नहीं है, तो ऐसा वैसा। तो बहुत सारा चीज़ वो बोला वो सच्चा है, क्योंकि मैं भी बड़ा कंपनी में काम किया है, तो काम ही नहीं था उधर, क्योंकि जो बिजनेस के लोग रहते उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं रहता है। तो मैं जब भी प्रोग्रामर था तभी IT इंडस्ट्री नया नया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नया नया था, और मतलब मैं विजुअल बेसिक 6 के टाइम पे था, उसके पहले फॉक्स प्रो विजुअल बेसिक 5 वो सब था। तो मैं 6 के बाद .NET से पहले थोड़ा, तो उधर मैंने तभी नया नया था, बिजनेस वाले को टेक्नोलॉजी समझता नहीं था, तो आधा सॉफ्टवेयर जावा में, आधा ASP में, फिर कुछ इसमें, और ऐसा चलता था। तो मैं नया नया कंपनी ज्वाइन करता था, उधर 3-4 महीना तो कुछ भी, लिटरली कुछ भी काम नहीं रहता था, तो ऐसा ही बैठे रहने का रहता था। और ऐसा ही चलता था। और ये बोला कि बहुत सारा कंपनी है जिन्होंने चाराना भी प्रॉफिट में नहीं कमाया, लेकिन $1 बिलियन वर्थ है, क्योंकि वो लोग हाइप क्रिएट करते हैं कि ये होगा वो होगा, और शेयर्स के बेस पे उनका शेयर्स का प्राइस बढ़ते रहता है, और वैसा ये लोग अमीर बनते हैं विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट, बाय सिंपली प्रिंटिंग शेयर्स एंड सेलिंग इट। तो ये बात बराबर है, क्योंकि ऊबर ने कुछ चाराना भी नहीं कमाया, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कुछ भी पैसा नहीं कमाया, लेकिन $1 बिलियन वैल्यूएशन है, शेयर्स उनका महंगा है। तो चलो सब कुछ फेक है, अभी ये बोल रहा है हाइप है हाइप है। हाइप तो है, क्योंकि मैं खुद काम किया है बड़ा कंपनी में, लिटरली
कुछ भी काम होता नहीं है, टाइम पास चलता है, क्योंकि नया नया फील्ड था तभी और एग्जैक्टली मालूम नहीं रहता है क्या करने का। तो वो एआई इंजीनियर था, तो एआई में भी ऐसा ही होता है कि बैंक बोलेंगे चलो अपन ब्लॉकचेन और एआई में कुछ तो करना चाहिए, क्या करने का मालूम नहीं, तो एक टीम एलोकेट कर देती है ये करने का, फिर वो लोग करते रहते हैं और बेसिकली दे आर गोइंग नोवेयर कि क्या करने का क्या यूज़ है मालूम नहीं रहता है। तो सब बराबर है ये, लेकिन प्रोडक्ट तो एक्चुअल है, ये जो पबजी पबजी गेम तो एक्चुअल है, पबजी बड़ा कंपनी ने बनाया, वो बना हुआ है, रियलिस्टिक वीडियो गेम, मतलब सब उसका जो ग्राफिक्स है कितना अच्छा है। तो पबजी तो रियल है, जो एआई बने हैं वो तो रियल है, जो मैचिंग करते हैं पुराने एआई, जो अभी तुमने माइकल जैक्सन का वीडियो देखा तो माइकल जैक्सन टाइप दूसरा वीडियो दिखाएंगे, क्या बोलते हैं सजेशन देते हैं, ये एआई तो रियल है। फिर बहुत सारे प्रोडक्ट रियल है, तो ये बनाया है ना किसी ने। तो जब स्टार्टिंग में काम पे लगता है तभी काम नहीं रहता है, तो उसने 6 महीना ही काम किया, 6 महीने में 3 महीना का 3 घंटा सिर्फ काम किया, क्योंकि वो नया नया लगा था। जैसा मैं नया कंपनी में लगा है तो मेरे को सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो मेरे को सिखाने के लिए आदमी को बताना पड़ेगा क्या करने का क्या नहीं, लेकिन जो मेरे को बताएगा वो बिजी है तो उसके पास टाइम नहीं है बताने के लिए, तो ऐसा लंबा देर तक कुछ भी नहीं होता है, अपन बैठा रहता है, पगार चालू रहता है। लेकिन प्रोडक्ट तो सच्चा बना है, यूट्यूब सच्चा है, सजेशन एल्गोरिदम सच्चा है, एआई सच्चा है, पबजी सच्चा है, जो एक्चुअल में हाई एंड ग्राफिक्स है, किसी ने तो बनाया है, तो बहुत सारा चीज़ सच्चा है। और चैट जीपीटी तो सच्चा है, इनोवेशन है, अभी जो रीजनिंग कॉमन सेंस और मैथमेटिक्स के एआई बन रहे उसका तुम टेस्टिंग भी कर सकते हो, मिस्ट्रल एआई। तो चैट जीपीटी 4.5 भी ऐसा ही है, तो बनाया है ना किसी ने, तो काफ़ी देर इन्वेस्ट करके, मतलब बैठ के कोडिंग करके बनाया ही है ना। और जो ये लोग ने LLM बनाया है, ट्रांसफॉर्मर मॉडल बनने से पहले वर्ड लिस्ट बनाया, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स उस पर काम किया, मैचिंग वर्ड्स बनाया, मैपिंग किया, तो वर्ड लिस्ट बनने के बाद ट्रांसफार्मर मॉडल पे वर्क हुआ। मतलब किसी ने तो प्लान बनाया कि ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा बनाते हैं, लेकिन वैसा वैसा करने के लिए पहले बेस बनाना पड़ता है, तो वो लोग ने वर्ड लिस्ट बनाया, ये वर्ड का ये मीनिंग, और मल्टी लैंग्वेज, चाइनीज़ का ये, फ्रांस का ये, मराठी का ये, पंजाबी का ये, हिंदी का ये, तो ऐसा मैचिंग भी किया है। तो ये वर्ड लिस्ट, ये जो लैंग्वेज का ट्रांसलेशन किया, ये बहुत बड़ा काम है, ये मैन्युअली किया है, आदमी नहीं था। फिर वो डेटा उठा के ट्रांसफॉर्मर मॉडल बने कि वर्ड्स मैचिंग करके, फिर नंबर्स दिए वर्ड्स को, फिर प्लस माइनस करके, इतना ऑसम रिजल्ट आता है चैट जीपीटी जैसा। तो काम तो हो रहा है, और
इनको भी ठीक से मालूम नहीं है वो लोग वो चैट जीपीटी आर्टिकल कैसे लिखता है। मेन मतलब उसको पता है किधर स्टार्ट करने का और किधर एंड करने का और मीनिंगफुल बात करता है। तो दिस इज समथिंग विच इज ऑसम। और अभी ये लोग कॉमन सेंस रीजनिंग और इसका एआई बना रहे हैं तो काफ़ी हद तक अच्छा वर्क करता है वो। बीच में बहुत बार गलती भी करता है बट काफ़ी हद तक अच्छा वर्क करता है वो। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट तो बन रहा है और रियल भी है क्योंकि अपन ने यूज़ करके देखा। इट टॉक्स जस्ट लाइक ए मैन, ऐसा लगेगा कि सामने आदमी बैठा है। और बहुत सारे टूल्स ये लोग ने बनाए हैं। अभी एआई का वो थोड़ा बोल रहा था हाइप है ये हो कि रास्ते पे जो कार जाता है उसका कैसा होगा। तो मैंने बताया ना कि ब्लॉकचेन में ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रियल टाइम जीपीएस के। हर एक कार में कैमरा रहेगा, मोटरसाइकिल पे कैमरा, तो आदमी जब घूमेगा तो उसका लाइव फीड अपलोड होगा, उसको टोकन मिलेगा, उसका कुछ मॉनिटरी वैल्यू रहेगा और ऐसा करके 3D मैपिंग होगा। और रियल वर्ल्ड यूज़ केस वो 3D मैपिंग ड्रोन के लिए भी यूज़ होगा क्योंकि ड्रोन जाएगा घर पे डिलीवरी देने के लिए तो गली कुच्चे से जाएगा। तो वो GPS सिस्टम में अभी नहीं है, गली गली गली, अरे इधर टूटा है, इधर खड्डा है, इधर बिल्डिंग गिरा है, इधर जाली बिठाया है, तो वो रियल टाइम 3D मैपिंग से होगा। तो प्रोडक्ट तो बन रहा है और ये सब रियल है। और यहाँ ये जो बोल रहा था कि AI को ट्रेनिंग देने का ये वो सब, तो ये लोग ने मेटावर्सेस बनाया है AI को ट्रेनिंग देने के लिए। तो फिजिकल वर्ल्ड का रेप्लिकेशन मेटावर्स या वीडियो गेम में बनाता है और उधर AI ट्रेनिंग होता है और फिर रियल वर्ल्ड में आता है। इवन कार का भी ट्रेनिंग वीडियो गेम में मेटावर्स में हो रहा है। तो एक्चुअल रिजल्ट के हिसाब से देखेगा तो प्रोडक्ट तो रियल है, अपन ने यूज़ किया है, अपन ने चेक किया है, मतलब कोई तो काम कर रहा है ये सब प्रोडक्ट बनाने में। और मतलब AI का थ्रेट रियल टाइप है। देखो अभी के इसमें AI को यूज़ करके बुरा आदमी तबाही मचा सकता है। अभी AI कॉन्शियस ऐसा नहीं है बट कंस्पिरेसी थ्योरी वालों का वीडियो और बाकी का फीडबैक से वो लोग बोलते हैं कि आत्मा बाद में आता है, ऑब्जेक्ट बनेगा बाद में आत्मा घुसेगा, ऐसा तो ऐसा होता है कि मालूम नहीं। तो वो लोग बोलते हैं AI सिस्टम बनेगा और फिर उसमें बुरी आत्मा घुसेगा और फिर वो टेक ओवर कर देगा, ऐसा हो सकता है, किसको मालूम ऐसा होता है कि नहीं। बट प्रोडक्ट्स रियल है और ये लोग AI को वॉर सिमुलेशन भी दे रहे हैं, मतलब वॉर गेम्स मेटावर्स में बना के, वीडियो गेम में बना के AI को ट्रेनिंग दे रहे हैं मिलिट्री का। तो जो मतलब मिलिट्री बन रहा है वो AI ट्रेंड ड्रोन वॉरफेयर AI वॉरफेयर में कन्वर्ट हो रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन वॉर मशीन बन रहा है जिसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है मेटावर्स वीडियो गेम से, क्योंकि अभी AI को ट्रेनिंग देने का है वॉर का, तो वॉर एक्चुअल में करना पड़ेगा तो वो कर नहीं सकते, तो मेटावर्स में वॉर सिमुलेशन से
एआई को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। एआई का प्रोडक्टिविटी रियल है, अपन ने देखा है। तो वो जो बात कर रहा था उसमें बहुत सारा रियल है, लेकिन प्रोडक्ट तो बन रहा है, सब कुछ तो चल रहा है, इनोवेशन तो हो रहा है। मेडिकल में झूठ बोलता है लोग कि प्रोटीन बना, मतलब अभी एक वीडियो में मैंने दिखाया, देखा कि एक कॉफ़ी का कैफीन का मॉलिक्यूल 10^16 बिट लगेगा उसका मॉलिक्यूल डिजिटल रेफरेंस करने के लिए। तो इतना बड़ा बिट साइज, बाइट साइज, तो वो नहीं है। तो इनका प्रोटीन और जो कंप्यूटर सिमुलेशन है कि इसको बुखार आया तो इसको ये गोली दिया तो ठीक हो गया, ऐसा ये लोग कंप्यूटर पे मेडिकल टेस्टिंग करते हैं, वो फेक है। क्योंकि ये लोग को कंप्लीट बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये लोग जो प्रोटीन बना रहे या दवाई बना रहे वो कंप्यूटर पे बना रहे कि अरे चल इसको पेट में ये है प्रॉब्लम, तो चल कंप्यूटर में, कंप्यूटर को कुछ ये लोग ने बताया कि ये इससे ये होता है वो होता है, तो कंप्यूटर मिक्स करके वो उसको कंप्यूटर सिमुलेशन में दवाई देगा और फिर वो ऑब्जेक्ट आदमी का कंप्यूटर सिमुलेशन में उसका पेट ठीक हो जाएगा। ये पूरा फालतूगिरी है मेडिकल साइंस में। डॉक्टर शिवा का वैसा कंपनी था कि जानवरों पे टेस्टिंग करने के बजाय, मतलब कैसा अभी किसी को टीबी हुआ है तो टीबी का दवाई बनाने के लिए जानवर को टीबी होना मांगता है, फिर वो जानवर को टीबी का गोली देगा तभी वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, फिर उसके बेस पे पता चलेगा कि ये दवाई वर्क होता है। तो वो जानवर का टॉर्चर होता है, फिर जानवर को टीबी घुसा, फिर उसको बीमार गिरा, फिर उसको नया नया दवाई दे, तो जानवर का टॉर्चर होता है। इससे अच्छा कंप्यूटर पे जानवर बनाएगा और उसको दवाई देगा कंप्यूटर वाला, और कंप्यूटर सिमुलेशन या वीडियो गेम में वो ठीक हो जाएगा। तो मेडिकल में फालतूगिरी है और उससे बहुत सारा फेक और फालतू दवाई निकलने वाला है जो काफ़ी डैमेज करने वाला है। तो ये आगे का है, बट इंजीनियरिंग और बाकी का इसमें दिस थिंग वर्क्स।